देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का नीति स्पष्ट है, जो उनके साथ है वो दूध का धुला है, और जो उनके साथ नहीं है, जो उनके गलत नीतियों का विरोध करता है वो गलत होता है, और उसे प्रताड़ित करने का वो लोग षड्यंत्र रचने लगते हैं। इतिहास गवाह है, कहाँ लिखा हुआ है? अपने कहने से, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने से होता है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है? प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी तो राजद है। बाकी अगर राजद का कार्यकर्ता गुंडागर्दी करता तो आज बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राजद नहीं होती। आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी, बिहार के विकास के लिए, सामाजिक न्याय के इस गठबंधन के जो रथ है, और बिहार के विकास के लिए जो संकल्पित ये सरकार जो बन रही है, इसके रथ को जो है कि वो थाम लिए हैं, और जिस रथ को आधुनिक श्री कृष्ण तेज प्रताप जी थाम लेते हैं, वो रथ जो है विजय की ओर जाता है। आज हम बोल देंगे कि बीजेपी वाले सारे कार्यकर्ता गुंडा हैं, तो मान लीजिए गुंडा, तो बीजेपी के पेट में दर्द होने शुरू हो गया। तो आखिरकार बिहार में एनडीए की सरकार गिर गई है और महागठबंधन की सरकार बन गई है, और तेजस्वी यादव दूसरी बार उप मुख्यमंत्री का शपथ लेने जा रहे हैं, और नीतीश कुमार आठवीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लेने जा रहे हैं। ऐसे में तेज प्रताप के सिपाही हमारे साथ मौजूद हैं, तेज प्रताप के हनुमान कहे जाते हैं प्रशांत प्रताप, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और प्रशांत जी, ये बताइए कि तेज प्रताप यादव को कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी? देखिए, सबसे पहले मैं तमाम बिहारवासियों को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आज बिहारियों के हित के लिए कल क्रांति दिवस था, उसके अवसर पर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नए क्रांति का जो है संकल्प लिया, और ये क्रांति सांप्रदायिकता के खिलाफ, आरएसएस और बीजेपी जैसे तानाशाही नीतियों के खिलाफ, बिहार के छात्र, युवा, नौजवान, गरीबों, किसानों के हित में उन्होंने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया, और उनके नेतृत्व में आज महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, जिसमें हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी और आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी शामिल हुए, और इन लोगों ने मिलकर जो ये फैसला लिया, ये निश्चित तौर पे बिहारियों के लिए एक बात कर लेते हैं। तेज प्रताप यादव को क्या जिम्मेदारी मिलेगी? आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी, बिहार के विकास के लिए, सामाजिक न्याय के इस गठबंधन के जो रथ है, और बिहार के विकास के लिए जो संकल्पित ये सरकार जो बन रही है, इसके रथ को जो है कि वो थाम लिए हैं, और जिस रथ को आधुनिक श्री कृष्ण तेज प्रताप जी थाम लेते हैं, वो रथ जो है विजय की ओर जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, विजय की ओर जाता है रथ विजय, लेकिन कल जिस तरीके से जो भी वाक्य हुआ, यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन पहुँचे, वहाँ से सुशील मोदी ने फ्लाइट पकड़ा और दस्तावेज लेकर आए हैं, कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव तैयारी कर लें, सभी आरोप खुलने वाले हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का नीति स्पष्ट है, जो उनके साथ है वो दूध का धुला है, और जो उनके साथ नहीं है, जो उनके गलत नीतियों का विरोध करता है वो गलत होता है, और उसे प्रताड़ित करने का वो लोग षड्यंत्र रचने लगते हैं। इतिहास गवाह है, और वर्तमान में भी वो लोग बिहार के सत्ता से जब बेदखल हो गए तो वो लोग एक नए साजिश का जो है स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिए, और आप देखिएगा कि कल के बाद जो है नए पैंतरे जो है लेकर बीजेपी के लोग आएंगे। सवाल है, भाजपा का सवाल है, आप राजद के कार्यकर्ता हैं, ठीक है, गुंडा हैं, बिल्कुल गुंडा है, नहीं गुंडा है, गुंडा है, क्योंकि भाजपा की तरफ से कहा जाता है कि राजद के कार्यकर्ता गुंडा होते हैं। अच्छा। और देखिएगा कि अब गुंडा राज शुरू हो जाएगा, राजद के कार्यकर्ता खुलेआम सड़कों पर गुंडागिरी करेंगे। अच्छा, ये मतलब भाजपा की तरफ से कहा गया, ये कहीं संविधान में लिखा हुआ है? कल तक जो राष्ट्रीय जनता दल की जो सरकार थी, और उसके बाद एनडीए की जो सरकार है, उसके अब जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, और जो क्राइम का ग्राफ है वो देख लीजिए ना, वो बढ़ा था। तो कैसे आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल जो है कि गुंडों की पार्टी है और गुंडों की सरकार है? भाजपा कह रही है, तो भाजपा कह रही है, तो भाजपा जो कहेगी वो सच्चाई हो जाएगी? सबसे बड़ी पार्टी है ना, कहाँ लिखा हुआ है? अपने कहने से, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने से होता है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है? प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी तो राजद है, ये तो विधानसभा में सिद्ध हो चुका है ना। और आज प्रदेश की सबसे बड़ी गठबंधन महागठबंधन है। तेज प्रताप यादव जी को जिम्मेदारी मिलेगी, बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, बड़े नेता हैं, और जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसको बहुत अच्छे से निभाएंगे। पिछली बार स्वास्थ्य मंत्रालय मिला था, बहुत अच्छे से निभाए थे, सरकारी अस्पतालों में रातों को छापा मारते थे, बिल्कुल। अब क्या लगता है कौन सा इनके जैसा कोई ईमानदार नेता भी है?
माननीय तेज प्रताप जी के है जैसा कोई ईमानदार नेता तेजस्वी नहीं है। तेजस्वी जी तो है ही, हम विपक्ष की बात कर रहे हैं, विपक्ष में तो तेज प्रताप जी, तेजस्वी जी को जो भी जिम्मेदारी मिलती है पूरे ईमानदारी से निभाते हैं। आप भी राजद के कार्यकर्ता हैं? बिल्कुल। पूरा गुंडागिरी करते होंगे सर? बिल्कुल नहीं, ऐसा कहाँ है लिखा हुआ कि अगर राजद का कार्यकर्ता गुंडागर्दी करता तो आज बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राजद नहीं होती। पब्लिक और जनता जो है हमारे साथ में नहीं होती। और ऐसा नहीं है कि आपको बोल दिया तो गुंडा हो गए। आज हम बोल देंगे कि बीजेपी वाले सारे कार्यकर्ता गुंडा हैं तो मान लीजिए गुंडा। तो बड़का झूठा पार्टी है। हाँ। देखिए बीजेपी बड़का झूठा पार्टी है। हाँ। जब देखती है कि बिहार में गरीबों की शासन आ रही है, गरीबों के हित की बात कर रही है राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी प्रसाद, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तो यह बीजेपी का बीजेपी बौखलाए गई है। जब नीतीश कुमार सब समाजवादी लोग जब एक हो रहे हैं तो बीजेपी के पेट में दर्द होने शुरू हो गया है और बिहार से ही अब केंद्र की राजनीति तय होगी। यहाँ भी सिंचाई, पढ़ाई, दवाई की जब तेजस्वी जी बात करते हैं, बिहार से केंद्र की राजनीति तय होगी, यानी क्या तेजस्वी, क्या मतलब नीतीश कुमार जी? बिल्कुल, नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं 2024 में। अच्छा। सभी समाजवादी एक हो रहे हैं, विपक्षी एकता एक हो रहा है। ये तो एक बिहार झांकी है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री कौन होगा? बिल्कुल, मुख्यमंत्री आने वाले समय में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बिहार के होंगे। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री आने वाले समय में आप सबको पता चल जाएगा कि उप मुख्यमंत्री कौन होगा। प्रताप यादव नहीं, आने वाले समय में आपको सब पता चल जाएगा कि उप मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन आने वाले भविष्य में समाजवादी क्या मतलब, एक बात बताइए, क्या सबूत है कि ये जो गठबंधन बना है ये लंबे समय तक चलेगा? इसके पहले भी बना था, टूट गया था, फिर एनडीए के बना, वो भी टूट गया, फिर बनने गया महागठबंधन। देखिए राजनीति के एक प्रयोग है। हाँ। सभी 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 दल जो होते हैं वो अपने जनहित को लेकर किस तरह से हमको बिहार में विकास करना चाहिए और इसमें कोई पार्टी बाधा न बने, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी अलग रास्ता भटक गए थे, सही जगह आ गए हैं, सभी समाजवादी एक हो गए हैं और आने वाले समय में नीतीश जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं भारत के और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तेजस्वी जी ने हमेशा कहा है, पिछले इलेक्शन में भी उन्होंने कहने का काम किया है कि हम जब जब सत्ता में जब भी आए युवा के लिए बहुत बड़ी करेंगे, नौकरी देंगे, सरकारी स्थायी नौकरी देंगे। नौकरी मिलेगा जी? बिल्कुल नौकरी मिलेगा, सही समय पर बहालियाँ होंगी। चलिए बिल्कुल, तो देखिए राजभवन इस वक्त हम मौजूद हैं और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लेने गए हैं, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री का शपथ लेने गए हैं और बहुत जल्द बाहर निकलेंगे। फिलहाल आप राजद कार्यकर्ता को सुन रहे थे। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहते हैं इंडिया टॉप।